आइए पधारे हमारे भरूच अंकलेश्वर और यहाँ की सड़कों का मजा लीजिए। फिर से कहना चाहूंगी भाजपा की म्युनिसिपैलिटी, भाजपा की नगर पालिका, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा की राज्य सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के प्रधानमंत्री। और ये है हमारा गुजरात मॉडल। सड़कों पे घूम रहे हैं हम और अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार में एक बीमार मरीज है, लेकिन पिछले एक घंटे से 5 किलोमीटर का रास्ता सड़कों पे भटक रहे हैं जी। आइए देखिए बढ़िया सा गुजरात मॉडल। ये सड़क का हाल देखिए, ये हमारे अंकलेश्वर में है और ये सिर्फ बरसात की वजह से नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से जब से मेरे वालिद जयप्रकाश पटेल जी गुजरे हैं और इन सड़कों को बनाया नहीं गया है, तब से यही हाल है। मैंने वीडियो देखा और आपने भी जो बताया वो पूरी बात मैंने सुनी है। मैं भी मानता हूँ कि भारी वर्षा के कारण और इंडस्ट्री एरिया की वजह से, हेवी इंडस्ट्रीज और ओवरलोडेड गाड़ी चलने के कारण रोड रास्ता कई जगह पर टूट गए हैं। और हमने वीडियो में जो मुमताज़ जी ने बताया वो भी मैंने रोड पर कई बार मैं जाता हूँ तो मैंने देखा है। लेकिन मुमताज़ जी को मैं अभिनंदन देता हूँ, लेकिन एक मेरा सुझाव है उनको कि प्रजा के बहुत सारे प्रश्न है और दिल्ली में बैठा बैठा ये प्रश्न सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसके लिए यहाँ लगातार प्रजा के बीच में रहना चाहिए ममता जी को। अगर अहमद पटेल का स्थान लेना है तो अहमद पटेल ने जिस प्रकार काम प्रजा का काम किया है उस प्रकार काम करना चाहिए। एसी ऑफिस में बैठकर और दिल्ली में बैठकर जनता का काम नहीं हो सकता। और रोड रास्ता तो भारी वर्षा के कारण टूटे हैं और हेवी इंडस्ट्रीज यहाँ है पूरे भरूच में और ओवरलोडेड गाड़ी जाने के कारण ये रोड टूटे हैं। लेकिन जैसे बारिश कम होने के बाद तुरंत ये पैचवर्क होता रहता है और बारिश की सीजन खत्म होने के बाद पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ रोड रास्ता टूटे हैं, डैमेज हुआ है, वो पूरा जो जैसी जनता चाहती है और कोई पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार सभी सारे के सारे गुजरात सरकार का प्री प्लानिंग वो कर देगी और प्रजा को जनता को कोई आपत्ति नहीं, तकलीफ नहीं पड़ी, ये सरकार का इरादा है। और ममता जी से मेरा दूसरा निवेदन है कि आपका जो वीडियो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने वो उनका नियम भंग, ट्रैफिक का नियमन भंग किया है। जो वीडियो बनाते समय उन्होंने सीट बेल्ट पर पहनना चाहिए वो नहीं पहना है और ट्रैफिक नियमन का उल्लंघन किया है, वो भी उनको आने वाले समय में अपने आप को सुधारें।